सजमा किचन में आपका स्वागत है। आज सजमा किचन में डोनेट बनाकर बता रहे हैं, क्योंकि बच्चे जब बाहर लेने जाते हैं तो मम्मी मना कर देती हैं, तो आप खुद उनको घर में बनाकर खिला सकती हैं। आइए शुरू करते देखिए, हैं। 1 कप हमने नाप से 1 कप मैदा लिया है और उसको अच्छे से छान लेंगे। और यही कप से हम आधा कप चीनी लेंगे, जो इसका पाउडर बनाया है हमने। आधा कप हम ये नाप से देखिए चीनी लिए हैं, तो अभी चीनी हमारी आधे कप से थोड़ी ज़्यादा है, तो हम थोड़ा सा मैदा और ले लेंगे। ये देखिए, हमने 2-3 चम्मच और ले लिए। अब ये 1 चम्मच हम बेकिंग पाउडर डाल देंगे, ये जो नाप से रखे हैं। और ये आधा पिंच हम बेकिंग सोडा डालेंगे, वो भी छान लेंगे हम इसमें, ताकि हमारे सूखी चीज़ एकदम से अच्छे से मिल जाए और कहीं मिले कहीं नहीं मिले ऐसा नहीं रहे। और 1 पिंच हम नमक डालेंगे। नमक मीठे में होना बहुत ज़रूरी रहता है, नहीं तो अच्छा नहीं लगता। तब इन सबको मिलाकर हम छान लेंगे। और अच्छे से मिक्स कर लेंगे इनको। और ये 2 चम्मच हमने ऑयल रखा है, रिफाइंड ऑयल है, कोई फ्लेवर का ऑयल लेंगे वो भी इसमें डाल देंगे। बस अब इसको अब अच्छे से मिक्स करेंगे। और हमको इसका आटा जो लगाएंगे वो रोटी की तरह ही लगाएंगे, तो हम इसका आटा दही से गूंदेंगे। तो दही देखिए, हमने खट्टा नहीं लिया है, ताज़ा दही है, तो वो इसमें डालेंगे। और एकदम दही से ही आटा गूंदेंगे, थोड़ा थोड़ा डाल के गूंदेंगे, क्योंकि एकदम नरम ना हो जाए। ये देखिए, हमारा आटा लग गया है अच्छे से। तो अब हम इनको इसको एक घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रखेंगे। और देखिए, इतना स्मूथ आटा लगा है हमारा, ना हमने इसमें ज़्यादा मुक्की मारी है, ना सिर्फ मिलाकर रखे हैं हमने। और अब इस पे हम पन्नी रख देंगे और 1 घंटे के लिए इसको पैक करके कहीं गर्म जगह में रख देंगे। ये देखिए, हमारे आटे को, जो डोनट्स के आटा हमने रखे थे, उसको 1 घंटा हो गया और देखिए कितना फूल गया, और देखिए कितना इसका टेक्सचर कितना अच्छा आया है, देखिए पूरा। तो अब इसको हम निकाल लेंगे और ज़्यादा मसलेंगे नहीं, बस इसकी एयर ख़त्म नहीं होने देंगे। बस थोड़ा सा ऐसा करके, थोड़ा ऐसा करके इसको 2 भाग में हम तोड़ लेंगे बस। और अब बेलेंगे। हमने रोटी बेल ली है, इसकी थिकनेस बस इतनी मोटी रखेंगे, क्योंकि जब फ्राई करेंगे तो मोटा हो जाएगा। और ये गिलास लिया है हमने, इस गिलास से डोनट्स की कटिंग करेंगे। अब ये बीच में होल करना है, तो बीच में हम इसको लेंगे, ये ढक्कन है, इस ढक्कन को इस तरीके से दबा देंगे। इस तरीके से निकाल निकाल कर हम इसको बीच के को इस तरीके से हटा देंगे और इस तरीके से निकाल देंगे। ये ऑयल हमारा गर्म हो गया है, ज़्यादा हार्ड गर्म भी नहीं है और ज़्यादा कम भी नहीं है। तो ये हमारे डोनेट्स भी बनकर तैयार हो गए हैं पूरे। तो अब एक एक करके हम इसमें डालेंगे। ये देखिए, तेल हमारा इतना गर्म है कि डोनेट्स को पता नहीं चल रहेगा। अब धीरे धीरे इसको होने देंगे ताकि अंदर से धीरे धीरे फ्राई होने देंगे, ताकि इन्हें अंदर से कच्चा न रहे, नहीं तो ऊपर से तो लाल हो जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे। ये देखिए, हमारे कैसे लाल लाल और पूरे अच्छे से फ्राई हो गए। तो अब इस टाइम हम इनको निकाल लेते हैं, बस इतने ही कलर हमको चाहिए। इसी तरह हम सारे डोनट्स को फ्राई कर लेते हैं। तो हम डबल बॉयलर के मैटर से मेल्ट करेंगे, तो इसमें हम 1 चम्मच दूध डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करके एकदम पेस्ट बनाएंगे इसका। देखिए, चॉकलेट हमारी अच्छे से मेल्ट हो गई एकदम, और ये व्हाइट वाली चॉकलेट जो मिल्क बार थी, वो भी थोड़ा सा गार्निश करने के लिए हमने मेल्ट कर लिए हैं। अब इनको डेकोरेशन करते हैं। ये देखिए, हमारी चॉकलेट ये हो गई। अब इस तरीके से हम एक डोनट उठाएंगे और इसमें से डीप करेंगे, इस तरीके से डीप करके यहाँ रखेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हम चॉकलेट से इसको डेकोरेट कर देंगे।
देखिए हमारे डोनट बनके तैयार हो गए। आप भी बनाइए और बच्चों को बनाकर खिलाइए, और कमेंट में लिख के बताइए कि हमारी डोनट की रेसिपी कैसी है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।